सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में अपठित अवबोधनम के अंतर्गत सेकेंड अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और पढ़ करके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना है, सर्च करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय पर्वत राजा अस्ति, हिमालयात अनेका नद्या उत्पन्ना भवन्ति, एषा भारतस्य रक्षकः अस्ति, ग्रीष्मकाले जना हिमालयं गच्छन्ति, रुग्णाः जना तत्र स्वस्था भवन्ति, तापसा हिमालयस्य गुहासु निवसन्ति, हिमालयस्य रक्षणे भारतस्य रक्षणम्। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इसका क्या जान लेना चाहिए, भावार्थ जान लेना चाहिए कि इसके बारे में कहा गया है। तो इस यह जो गद्यांश है वो किसके बारे में बताया गया बच्चों, पर्वतों के राजा हिमालय के बारे में। तो यहाँ दिया हुआ है हिमालय पर्वत राजा अस्ति, हिमालय क्या है, पर्वतों का राजा है। हिमालयात अनेका नद्या उत्पन्ना भवन्ति, हिमालय से अनेक प्रकार की नदी, अनेक नदियाँ उत्पन्न होती, अर्थात वहाँ से हिमालय से अनेक नदी का उद्गम, हिमालय अनेक नदी का उद्गम स्थान है, हिमालय से अनेक नदी का उद्गम हुआ है। ईशा भारत से रक्षक अस्ति, यह भारत का रक्षक है कौन, हिमालय पर्वत। ग्रीष्मकाले जना हिमालयम गच्छन्ति, गर्मी के दिनों में लोग कहाँ जाते हैं बच्चों, हिमालयम हिमालय को जाते हैं। रुग्णा जना तत्र स्वस्था भवन्ति, और जो रोगी लोग होते हैं वहाँ स्वस्थ होते हैं। तापसा हिमालय से गुहासु निवसन्ति, और जो तपस्वी होते हैं हिमालय की गुफाओं में निवास करते हैं। हिमालयस्य रक्षणे भारतस्य रक्षणम्, हिमालय का रक्षा ही भारत का रक्षक है। हिमालयस्य रक्षणे, हिमालय का रक्षण ही भारत का रक्षा है, क्योंकि हिमालय जो है एक प्रहरी की तरह जो है भारत की रक्षा करने में तटस्थ हैं, वो विद्यमान हैं। ओके, तो चलिए अब इसके आधार पर जो टॉपिक पढ़ लिए तो नीचे लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को देना है। चलिए, दिया हुआ है पहले नंबर में कह पर्वत राजा अस्ति, तो बच्चों भी पढ़े हैं ना, कह पर्वत राजा अस्ति, हिमालय पर्वत राजा अस्ति, कौन पर्वत राज हैं, तो हिमालय है ना। ग्रीष्मकाले जना कुत्र गच्छन्ति, तो ग्रीष्मकाल में लोग कहाँ जाते हैं बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है ना, ग्रीष्मकाले जना हिमालयम गच्छन्ति, तो आंसर क्या हो जाएगा, हिमालयम। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 111 सेकंड क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, हिमालय की दृशाह जना स्वस्था भवंती, तो हिमालय रुग्णाह जना स्वस्था भवंती, हिमालय में कौन से लोग स्वस्थ होते हैं, रोगी लोग स्वस्थ हो जाते हैं। हिमालय से गुहासु के निवसंति, हिमालय की गुफाओं में कौन निवास करते हैं बच्चों, तो हिमालय से गुहासु तापसाह निवसंति, तपस्वी लोग निवास करते हैं। निर्देश अनुसार उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए, हिमालय से पदे का विभक्ति, तो हिमालय से पद में कौन सी विभक्ति बच्चों, षष्ठी विभक्ति है। भवंती पदे का धातु, भवंती पद में मूल धातु क्या है, भू धातु है। स्वस्था इति पदस्य अत्र कह विलोम शब्द, स्वस्थ का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, अस्वस्थाः। अस्मात् अनुच्छेदात एकम अव्ययम अव्ययम लिखत, इस अनुच्छेद में से एक अव्यय लिखना है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है रुग्णा जना तत्र स्वस्था भवंती, तो तत्र जो है अव्यय पद है, इसलिए यहाँ पर तत्र लिखा गया है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये सेकंड अपठित गद्यांश आप लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो तीसरा अपठित गद्यांश का जो एक्सरसाइज वर्क को समझेंगे, आप लोग भी इसके लिए जो है प्रयास करिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके, जब तक का आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आंसर नहीं मिल पाता, तब तक का जो गद्यांश होता है उसको बार बार आप लोगों को रीड करना है और समझने का प्रयास करना है। ओके।